हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ राजकौन। फ्रेंड्स, बात करेंगे यूको बैंक शेयर की, जिसने 16 दिसंबर को 36.40 रुपये की क्लोजिंग दिखाई और अपने इन्वेस्टर्स को विद इन 2 मंथ्स बहुत अच्छा रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट में बना करके दिया। 3 गुना से भी ज़्यादा की तेज़ी इसने दिखाई। और क्या ये यूको बैंक येस बैंक से भी बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को बना के देगा? क्या येस बैंक से बेहतर रिटर्न यूको बैंक में अगर हमें मिलेंगे तो हमें क्या येस बैंक की बजाय यूको बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के थ्रू फैक्चुअल फिगर्स देख करके जान पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे कि येस बैंक और यूको बैंक में बेहतर भविष्य में कौन रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना करके देगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यूको बैंक की, तो इसका जो की पॉइंट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तो इस बैंक के बारे में, तो नॉर्मली जो बैंक्स अपने वर्किंग में इन्वॉल्व होता है वही इसकी वर्किंग है। प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। की पॉइंट जो इसका है वो इस वक्त कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.08%, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है फ्रेंड्स, और 12.08 बहुत अच्छा रेशियो है, वो भी कैपिटल एडिक्वेसी का। फ्रेंड्स, मार्केट कैप है इस बैंक का 43,520 करोड़, करंट प्राइस है 36.40 रुपये। अगर इसका 52 वीक हाई देखते हैं 38.20 रुपये और 52 वीक लो 10.50 रुपये। ये देख लीजिए, 52 वीक लो से आप अगर एनालाइज करेंगे तो 3 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न इससे हमने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। स्टॉक पी है 34.8, बुक वैल्यू है 19.7। ये बैंक का शेयर अभी कुछ दिनों पहले आपको बुक वैल्यू से डाउनफॉल पे मिल रहा था, लेकिन अब ये बुक वैल्यू से जस्ट दुगने के आसपास आ गया है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आपको ये बता रहा है कि जिस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उस समय जिन भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया उनको अब इसने बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया। बुक वैल्यू से नीचे तरह डाउनफॉल पे, और पिछले कुछ समय से प्रॉफिट में भी था बैंक, फिर भी इसने तेजी नहीं दिखाई बल्कि डाउनफॉल पे रुका रहा और इन्वेस्टर्स को बेहतरीन मौका दिया, ज़बरदस्त मौका दिया इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो अब सोच रहे होंगे कि क्या अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फैक्शन फिगर्स के थ्रू कि हमें क्या करना चाहिए। ROCE है 4.08%, ROE है 4.26% और फेस वैल्यू 10 रुपये। अभी भी इस बैंक के जो शेयर का फेस वैल्यू वो 10 रुपये है। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रॉज है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 86.6 डेज टू 68.5 डेज। फ्रेंड्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटिंग प्रॉफिट्स, यानी कंपनी कहने का मतलब है कि बैंक है, इसका जो प्रॉफिट देने का जो अंदाज़ है वो अब रिपीटेड है, बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, लेकिन ये डिविडेंड नहीं पे कर रहा है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो लो है। डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, लो रिटर्न ऑन इक्विटी 2.49% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। करंट लायबिलिटी भी इसकी बहुत है, 150,596, यानी कि 1,50,596 करोड़, ये कंटिजेंट लायबिलिटी अनसीन लायबिलिटीज़ की जैसी होती हैं। और ये एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि 1,50,596 करोड़ का इसका कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी कैपिटलाइजिंग कर रही है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को। फ्रेंड्स, इसके कंपटीटिव बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, और खुद 7 नंबर पर आता है यूको बैंक। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके रेवेन्यूज़ की। पिछले 4 क्वार्टर की अगर आप इसके फाइनेंशियल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो जो इसकी रेवेन्यू है आप देखिए सितंबर 2022 में ऊपर ही ऊपर फर्स्ट लाइन में, दिसंबर में है 3,919 करोड़, मार्च में है 3,773 करोड़, जून में है 3,851 करोड़ और सितंबर में 4,185 करोड़। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे जो कि सेकेंड रेड लाइन्स कॉलम में है, दिसंबर में 73 करोड़, लेकिन मार्च में -105। लेकिन ये जो करंट ईयर, इसके दोनों क्वार्टर्स का आप देखेंगे तो 248 करोड़ और 4 करोड़। नेट प्रॉफिट लास्ट कॉलम देखिए फ्रेंड्स, लास्ट कॉलम चारों क्वार्टर्स का जो नेट प्रॉफिट है, पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 310 करोड़ दिसंबर में, मार्च में 312 करोड़, जून में 124 करोड़ और सितंबर 2022 में 505 करोड़। यानी कि जो दिसंबर का क्वार्टर है 310 से 312 कांस्टेंट वैल्यू और 124 डाउनफॉल, लेकिन 550 वापस से 550 करोड़ का प्रॉफिट बना करके ये बता रहा है कि इसने 5 गुना से भी 5 गुना के आसपास का प्रॉफिट इसने अचीव किया सितंबर 2022 के
क्वार्टर में, और फ्रेंड्स ज़बरदस्त तेजी भी इसने फिर उसके बाद में दिखाई। फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट की, तो अगर आप 2020 ईयर 2020 की बात करेंगे तो माइनस में 2437 करोड़, मार्च 2021 यानी कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर अगर इसकी बात करते हैं तो 167 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि लॉसेस से प्रॉफिट में आया बैंक 2021 में। और 2022 में इसने 930 करोड़ का प्रॉफिट शो करके बता दिया कि भाई अभी कंटिन्यू इसी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हुए अपने बैंकिंग सेक्टर में एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करेगा, और यही इसके शेयर प्राइस ने एकदम से इतनी ग्रोथ दिखा करके साबित किया। तो फ्रेंड्स जो भी इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही 10 साल में 0%, 5 साल में 2-2%, 3 साल में 1% और TTM 9%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो रही 10 साल में -2%, लेकिन 5 साल में 20%, 3 साल में 30% और TTM रहा 196%। जबरदस्त परफॉर्मेंस। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में -8%, लेकिन 5 साल में 4%, 3 साल में 31% और 1 साल में 179%। रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करते हैं 10 साल में -9%, 5 साल में 13% सॉरी -13% -13%, 3 ईयर्स में -2% और लास्ट ईयर में जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी रहा 4%। फ्रेंड्स अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपको शायद हो सकता है मालूम ही ना हो कि प्रमोटर होल्डिंग जो इसकी है सितंबर 2022, ये देखिए रेड कॉलम जो बना हुआ है उसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.39%। तो प्रमोटर्स को विश्वास था इस बैंक के ऊपर कि भाई बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये बैंक भविष्य में वापस से परफॉर्म करेगा, और इतनी होल्डिंग बने रहना प्रमोटर्स की दावा करती है कि भाई ये भविष्य में भी और आगे बढ़ चढ़ के वापस से अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर बेहतरीन शेयर प्राइजेस जो भी ये शो करेगा तो इन्वेस्टर्स को हो सकता है कि ये बेहतरीन रिटर्न और भी बना करके दे और 100+ क्रॉस कर जाए बहुत कम समय में। FIS की जो होल्डिंग है 0.03%, DIS की होल्डिंग है 1.34% और पब्लिक होल्डिंग है 3.23%। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने आपको बताई, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बताए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, सही लग रही तो प्लीज़ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और एनालाइज भी करें इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से कि क्या भविष्य में आपको अब यूको बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि यस बैंक में। तो फ्रेंड्स यस बैंक का भी मैं वीडियो ऐसे बना करके दूंगा आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि हमें आगे भविष्य में किस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का जो भी स्कोप है वो तलाशना है। तो फ्रेंड्स बन रही है मेरे चैनल पे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।